कौशाम्बी से खबर है। परिवार पर आकाशीय बिजली का कहर टूट पड़ा है। कौशाम्बी से खबर है, बिजली का कहर परिवार पर बरपा है। ये बिजली का कहर, इसे पढ़िएगा। मकान पर आकाशीय बिजली गिरी है। बिजली गिरने से मकान की दीवार गिरी है, मलबे में दबकर तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़े बेटे की इलाज के दौरान मौत हुई है, बहुत दुखद है ये। पिता और पुत्र का इलाज चल रहा है। भारत समाचार ने यूं ही नहीं लिखा, बारिश का आफतकाल वो दिख रहा है। मोहम्मद यासीन कौशाम्बी के हमारे संवाददाता हैं, फोन लाइन पर हैं। ये कहां का मामला है यासीन? राहुल बता दूं, सिरादू तहसील के दारनगर का मामला है, जहां पर लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, जिससे दीवार जो है गीली हो गई है और गिर भी रही है। और यहां पर पिता पुत्र समेत तीन लोग बैठे हुए थे, दीवार गिर गई है जिससे तीनों लोग घायल हो गए थे। विनय मिश्रा की जो है अस्पताल में जो है मौत हो गई है और दो लोग और गंभीर है। पिता पुत्र एक किरण की हड्डी में चोट आई है, उनको जो है जिला अस्पताल से एसआरएन प्रयागराज के लिए रेफर किया जा रहा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यासीन, प्रशासनिक आला ऑफिसर यहाँ पर पहुंचे नहीं, ये दारानगर का मामला है कौशाम्बी के? जी राहुल, सिरादू तहसील के दारनगर का मामला है। डीएम को जो है सूचना मिल गई है, डीएम जो है अस्पताल जो है घायलों को जो है देखने जा रहे हैं। उनके अलावा एसडीएम को उन्होंने फोन कर दिया है, वो एसडीएम जो है दारनगर गांव के लिए रवाना हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए यासीन, आगे बढ़ेंगे। बांदा से खबर है।